तो आज का क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण किसका करेंगे हम? कार्बन का जितना सारा यौगिक है, कार्बन के यौगिकों का ऑक्सीकरण करना है। तो पहला क्लास में हम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, तो उसमें क्या पढ़े थे याद कीजिए, आप पढ़े होंगे कि क्या था कि कार्बन के जितने यौगिक होते हैं ना, उनको दहन किया जाएगा, अगर जलाया जाएगा तो उनको बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। हम लोग उसमें पढ़े थे, लेकिन अभी हमको देखना है कि उसके अलावा भी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो उसको ऑक्सीकृत कर सकती है। जैसे कि यहां पे देखिए, कार्बन से बना है क्या है, अल्कोहल बना हुआ है कार्बन से, उसको बदल दे रहा है ऑक्सीकृत करके। देखिए यहां पे, अब देखिए पहले हमको करना कैसे है, मतलब वो तो दहन करना वो अलग था, ठीक है। दहन करके हम ऑक्सीकृत करते थे, आसानी से हो जाता था, लेकिन अभी जो अभिक्रिया है दूसरा तरह का अभिक्रिया है, उसमें हमको करना क्या है? तो सबसे पहले उसको ऑक्सीकृत करने के लिए एक परख नली ले लेना है, ठीक है। एक परख नली मान लीजिए कि ले लिए इस तरह से कुछ, ठीक है। उसमें हम क्या किए, 3 ml एथेनॉल डाल दिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए इतना छोटा नहीं, परख नली छोटा होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। इसमें हम 3 ml क्या डाल दिए हैं, 3 ml क्या डाला हुआ है, एथेनॉल। इसमें 3 ml एथेनॉल डाले, 3 ml एथेनॉल डालने के बाद इस विलयन में क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, किसका, क्षारकीय होना चाहिए, मतलब उसमें, ठीक है, क्षारक का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तो क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट का 5%, 5% क्या करना है हमको, एक एक बूंद डालना है, ठीक है, एक एक बूंद इसमें डालते जाना है, इधर से एक एक बूंद। अब देखिए इसको एक एक बूंद डालने के बाद आपको देखना रंग में परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा डालते तो रंग में परिवर्तन नहीं होने लगता है, ये सब आपको मन में सोचना है क्यों ऐसा होता है। रंग में मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है, तो पहला में हम पढ़े थे अभिक्रिया जब होता है तो रंग में परिवर्तन होता है, उसका कलर में चेंज होता है। अब कलर में चेंज हो गया, समझ गया कि अभिक्रिया हुआ है, पहले ही समझ में आ गया, कलर में बदलाव आया, रंग में बदलाव आया, तो समझ गया कि अभिक्रिया हुआ है। आप ऐसे सोच के देखिए ना, पानी को पानी में मिलाइएगा तो रंग बदलता है, नहीं बदलता है ना, उसमें अभिक्रिया नहीं होता है, नहीं बदलेगा। आप देखिएगा, पानी को पेट्रोल में मिलाइए, पानी में पेट्रोल मिलाइएगा तो रंग में बदल जाता है उसका, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसमें अभिक्रिया हुआ है रंग। और कुछ कुछ चीज को ऐसा देखिए, कुछ चीज को आप मिलाए होंगे, हाँ, पानी में आप रेत डालते हैं, बालू डालते हैं, तो रंग में बदलाव आता है, नहीं आता है, मतलब क्या हुआ, बालू और पानी के बीच में अभिक्रिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब रंग में बदलाव आ गया तो मतलब हो गया, समझ गया कि अभिक्रिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, तो कुछ कुछ ऐसा चीज जो होता है, जो क्या होता है, ऑक्सीजन देता है, जैसे कि ये क्या हुआ, कार्बन का एक यौगिक है, कार्बन का यौगिक है और क्या है, एक अल्कोहल है। अब इसको हम क्या में बदले हैं, इसको ऑक्सीकृत किए हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण किए हैं। कैसे किए हैं, क्या क्या हमको डालना पड़ा है, यहाँ पे देखिए, आप देखिए क्षारकीय पोटेशियम, ये देखिए परमैंगनेट, ठीक, प्लस उष्मा दिए हैं, या फिर ऐसे ना करके उसके जगह पे ये नहीं रहता, इसके जगह पे हम ये भी डाल सकते थे, अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा। उष्मा का मतलब क्या हुआ, हीट देना, ठीक है, बाहर से थोड़ा गर्मी देना पड़ता है उसको, गर्मी जब तक नहीं दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ता है, तभी जाके अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज मिला सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दहन नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको जला नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जला रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हीट दे रहे हैं ताकि अभिक्रिया हो, ठीक है। तो उसके जगह हम क्या क्या डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 डाल सकते हैं, फिर क्षारकीय KMnO4 डाल सकते हैं। ये दोनों चीज अगर डालेंगे तब भी ऑक्सीकृत होगा, और क्या बना रहा है, CH3COOH। यहाँ पे देखिए, पहले एक ऑक्सीजन था ना, इधर ऑक्सीजन कितना था, एक था, अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया, दुगो हुआ है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखते हैं, हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। आपसे पूछ देगा, बताओ बाबू ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, तो बोल देंगे, एकदम डेफिनेशन लिख दीजिएगा,
कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जैसे कि कौन सा? अच्छा, पदार्थ का उदाहरण पूछ दिया तो कैसे बताइएगा? एक उदाहरण क्या हुआ? क्षारकीय KNO4, ये एक उदाहरण हो गया। ये क्या है? ये आपका ऑक्सीकारक है। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक का उदाहरण हम लिख रहे हैं, ठीक है? उदाहरण उदाहरण हमारा ऑक्सीकारक का क्या हुआ? क्षारकीय KNO4। क्षारकीय KNO4 इसका अम्लीकृत K2 ये दोनों क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का क्या काम होता है? ये दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देता है और उसको ऑक्सीकृत कर देता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहां पे देख लीजिए, ये इस अल्कोहल को क्या दिया है? ऑक्सीजन दे दिया। अल्कोहल को ऑक्सीजन देके इसको अलग चीज बना दिया, समझ रहे हैं ना? तो बदलाव आ जाता है, ठीक है? तो ये हुआ। तो इससे हम क्या सीखे? मतलब तो धीरे धीरे जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा चीज सीखते जाएंगे, अलग अलग टेक्निक सीखते जाएंगे इसका ऑक्सीकरण का। जैसे कि हम पहला क्लास में पढ़े थे, पहला कक्षा में पढ़े थे, पहला चैप्टर में क्या था कि उसको दहन करके हम लोग बहुत आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं, किसको? कार्बन के यौगिक को। अब यहाँ क्या सीख रहे हैं? यहाँ कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं और उसको ऑक्सीकृत कर देते हैं, उन्हीं को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ये पूछ देगा आपसे, 2 मार्क्स का पूछ देगा कि दो ऑक्सीकारक का नाम लिखिए, तो लिख दीजिएगा ये दोनों का, तो ऑक्सीकारक का नाम पता चल जाएगा। अभी पूछ देगा कि कार्बन में जो भी कार्बन के यौगिकों का ऑक्सीकरण करके दिखाओ कुछ अभिक्रिया लिखो, ये वाला अभिक्रिया लिख दीजिएगा, याद रहेगा। याद करना आसान है, एक अल्कोहल ले लीजिएगा इसे और उसमें ये दोनों में से कुछ चीज ऊपर नीचे ऊपर लिख दीजिएगा, इसे डंटिया के ऊपर लिख देने के बाद ये वाला लिख दीजिए, एक ऑक्सीजन वाला जोड़, एक हाइड्रोजन हटाए खाली एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था? इसके पास CH2 था, 2 हाइड्रोजन था, एक हट गया, ठीक है? तो ये हो गया,